आप अपने कोई फ्रेंड के साथ पार्टी कर रहे हैं, कोई रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, और अचानक ही हंसते हंसते या कोई बात पे वो उठा के लगाते, अचानक ही वो अपना हाथ यहाँ ले जाता है और अचानक ही उसका ब्रीदिंग होना बंद हो जाता है। आप देखते हो तो उसके लिप्स वो ब्लू होने लगते हैं, उसके हाथ ब्लू होने लगते हैं, जिसको चॉकिंग बोलते हैं। आप दूसरा एक एग्जाम्पल ले लो, कोई शादी में जा रहे हो, शादी के अंदर कोई बच्चे पॉपकॉर्न का काउंटर है, वहां खेल रहे हैं, अचानक ही कोई बच्चा सडनली बेहोश हो जाता है, जिसके लिप्स ब्लू हो जाते हैं, हाथ ब्लू हो जाते हैं। हमको मालूम है कि हमारा जो रास्ता है एरवे का ट्रैकिया, जो बोलते हैं कि वहां का कोई फूड पार्टिकल फंस गया है, लेकिन हमें वो नहीं मालूम उसको कैसे फर्स्ट एड इमरजेंसी में निकालना है। तो इसका ही बारे में आज बात करेंगे। मैं हूं डॉक्टर स्वप्निल शाह, लाइफस्टाइल वेलनेस अहमदाबाद में वेलनेस फिजिशियन और डायबिटोलॉजिस्ट की प्रैक्टिस कर रहा हूं। बेसिकली चॉकिंग में क्या होता है कि कोई भी फूड पार्टिकल वो अपने रास्ते में, वो जो ट्रेकिया है उसके रास्ते में कहां तो कहीं तो फुल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, कहां तो आधा ऑब्स्ट्रक्शन मतलब कि पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। इस दोनों चीजों में जो हमको एक थैलमिक मैन्यूवर के बारे में मालूम हो, जो ऐसी टेक्निक है कि जिसकी वजह से आप किसी की जान बचा सकते हो। आप इमेजिन करो, ऐसी शादी में हजारों लोग हो गए, लेकिन ये सिंपल मैन्यूवर के बारे में नहीं मालूम होने के कारण कोई छोटा बच्चे के बेचारे की जान जा रही है। वही चीज शायद आप अपने फ्रेंड की लाइफ या आपका फ्रेंड अपनी लाइफ, आपकी लाइफ बचाने में आपको हेल्पफुल कर सकता है, जो उसने ये वीडियो देखा होगा। तो इसीलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, कि जिसकी वजह से किसी की जान बचा सको। तो सिंपली मैं समझाता हूं क्या होता है हेल्मिक मैन्युअल। मैं अपने लिए असिस्टेंट सुरेंद्र को यहां बुलाऊंगा, जिसकी वजह से मैं आपको ये बता सकूं। आओ सुरेंद्र जी। सुरेंद्र जी हमारे असिस्टेंट है जो इसमें हेल्प करेंगे। सो बेसिकली क्या होता है कि वो कुछ खाना खा रहे और अचानक आपने देखा कि उसको वो सडनली रिस्पोंड करना बंद कर दिया, उनको चॉकिंग जैसा होने लगा। तो आप पहले पूछेंगे कैसे हो सुरेंद्र जी, क्या हुआ अचानक? तो वो बोले कि नहीं रिस्पोंड कर रहा है, मतलब वो कोई रिस्पोंड नहीं कर रहा है, तो उसका मतलब है कि यहां कुछ यहां चॉक हो गया। और वो चॉकिंग को बाहर निकालने के लिए सिंपल हेल्मिक मैन्यूवर है, जहां उनको बेली बटन मतलब कि जो हम डूटी बोलते हैं, और जो लोअर रिब्स जो हड्डियां होती है उसके बीच में हमें थ्रस्ट देना रहता है। तो किस तरह? तो पहले हमें उसको रैप अराउंड करना है, यहाँ एक कमरी फिस्ट देनी है, फिस्ट से हमको उसको यहाँ प्रेशर देना है, दूसरे हाथ से प्रेशर देके उसको इनवर्ड मतलब इन अंदर और अपवर्ड उस तरह से। मैं अभी तो थोड़ा धीरे कर रहा हूँ, लेकिन आपको सिंपल जब करना है तब उसको थोड़ा जोर से करना है। तो इनवर्ड और अपवर्ड ऐसे 5 टाइम ऊपर नीचे कर सकते हो, तो उसकी वजह से जो जमा हुआ कोई पार्टिकल है वो शायद बाहर निकल जाए और किसी की जान बचा सकते हैं। ये ऐसी टेक्निक है, बहुत ही सिंपल है, फिर भी किसी को मालूम नहीं है और हम देखते रह जाते हैं कि किसी की जान हमारे सामने जा रही है। आप इमेजिन करो कि कोई बच्चा जो ब्रीथ कर रहा था और कोई ऑब्स्ट्रक्शन के कारण उसकी क्या हालत होती होगी। ये सिंपल टेक्निक जो मालूम हो तो आप किसी की जान बचा सकते हो, और इसी के लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाना। मैं हूं डॉक्टर स्वप्निल शाह, आपको इस तरह से कोई भी वीडियो जानना है तो आप मुझे कमेंट या हमारे 7383442222 नंबर पे कांटेक्ट करके इसके बारे में रिक्वेस्ट कर सकते हो, या आपको कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू।